सही। फिर जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड का ये कॉलम हो गया, ठीक है, टेबल वन के अंदर। उसके हमारे पास अंदर एक लाइक ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर इसी तरह मैं एक सिमिलर लाइक एक नेम जनरेट करता हूँ, दूसरा नेम लाइक अहमद ले लिया, सही है, यहाँ पे ahmed@gmail.com कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पासवर्ड 2 कर दिया इसके, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि उसामा का ईमेल लाइक usama@gmail.com है, सही है, और उसका पासवर्ड pw1 है, सही है, तो लाइक हमें ये कैसे पता चल रहा है, सही है। इसी तरह अगर हम अहमद की बात करें, अहमद का हम कह रहे हैं कि ahmed@gmail.com उसका ईमेल हो गया, सही है, और pw2 उसका पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक हमने एक रिलेशन बना दिया, सही है। लाइक अगर हम यहाँ पे एक सीरियल नंबर का एक वो डाल दें मिसाल के तौर पे कॉलम, या ये हमारा आईडी हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 कर दिया इसे, यहाँ पे ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ की अगर हम बात करें, सही है, अच्छा सही है, एक सेकेंड, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जो रिकॉर्ड 1 था उसका अभी आईडी वगैरह को फ़िलहाल ऐसे यानी छोड़ देने लगी, बेसिकली नंबर ही देने के लिए रखी है, ठीक है। अब जो हमारा बेसिकली रिकॉर्ड 1 है वो ये है, सही है, लाइक, और रिकॉर्ड 2 है और ये है, सही है, यानी ये तीन कॉलम्स मिलके ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस अहमद का हमने नेम के टेबल से यहाँ से सेकंड रॉ से नेम उठा लिया, फर्स्ट रॉ से ईमेल उठा ली, सही है, और थर्ड रॉ से पासवर्ड उठा लिया। इस तरह करके रिलेशन ही रिलेशन लाइक एक सिंपल है, रॉ है, ठीक है। लाइक उसामा का जो नाम है उसका रिलेशन डायरेक्ट उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसके बराबर वाले एडजेसेंट सेल है जिसके अंदर usama@gmail.com है, लाइक उसके साथ रिलेशन है। तो लाइक यहाँ पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जबकि अगर हम जैसे पाइथन में भी जिन्होंने डिक्शनरी वगैरह इस्तेमाल करी होगी उनको पता होगा कि लाइक वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लाइक लॉक 1 है मिसाल के तौर पे, ठीक है, उसका पासवर्ड मिसाल के तौर पे रख दिया pw जो भी xyz है, ठीक है, कोई और कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है, लाइक प्रोग्राम है उसका कोई कीवर्ड होगा, सही है, जावा मिसाल के तौर पे, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, लाइक इसका इसके साथ कोई रिलेशन लॉक का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, प्रोग्राम का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है लॉक के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार उसामा के रिलेशन है इस उसा ईमेल के साथ usama@gmail.com, और इनका रिलेशन इस पासवर्ड के साथ है, सही है, आपस में एक रिलेशन में है, सही है। तो एक रिलेशनल डेटाबेस में और एक नॉर्मल डेटाबेस में बेसिकली ये फ़र्क होता है, लेकिन इसको हम बेसिकली लाइक एक नॉर्मल डेटाबेस से हम कोई ख़ास काम ले नहीं सकते, हम इसमें इनडायरेक्टली रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे जावा कर दिया, जावा का हमने कोरस्पॉन्डिंग कर दिया कि इसका मिसाल के तौर पे क्या कहेंगे, एक सेकेंड, सही, मिसाल के तौर पे इसके एक्सटेंशन का नाम डॉट जावा है, सही है, या इसको इस तरह कर लेते हैं, यस सही है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं जो कि एक इनएफिशिएंट वे, किस तरह से हमने लाइक एक की बना दी, उसका नाम हमने रख दिया, उसकी वैल्यू होगी जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट एक और एज एन की भी एक्ट कर रही है उस डीबी के अंदर, और जिसकी वैल्यू क्या है, डॉट जेएस, सही है। तो हमने एक प्रोग्राम था, हमने लाइक मिसाल दे रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए कि लाइक एक प्रोग्राम था, उसका हमें इन द एंड एक फाइल एक्सटेंशन चाहिए उस प्रोग्राम का, ठीक है। तो हमने पहले प्रोग्राम का कीवर्ड दिया, फिर वहाँ से हमने डीबी से जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड निकाला, फिर हमने जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड को वापस डीबी में भेजा, और वहाँ से हमने लाइक फिर डॉट जेएस का हमें एक्सटेंशन मिला। लाइक एक समझाने के लिए लाइक एक चीज़ एक सिंपल चीज़ दो स्टेप में हो रही है, सही है। तो इस तरह अगर मल्टीपल होंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, सही है। लाइक अगर मुझे नेम चाहिए होगा, फिर नेम के साथ ईमेल चाहिए होगा, फिर पासवर्ड चाहिए होगा, तो लाइक हमारी यहाँ पे इस तरह एक तरह से तीन कॉल जाने चाहिए। पहले हमने प्रोग्राम की कॉल भेजी कि उससे हमें जावास्क्रिप्ट मिला, फिर हमने जावास्क्रिप्ट की कॉल भेजी उससे हमें डॉट जेएस मिला, ठीक है।
तो लाइक इस तरह हमें मिसाल के तौर पे पता नहीं कितनी रोल बनानी पड़ जाएंगे, ठीक है, काम से मिला रहा है, तो ये स्केलेबल काइंड ऑफ केलो नहीं होती जहाँ पे हमें सिर्फ की वैल्यू पेयर रखने हैं वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है, नॉर्मली भी। इसलिए इनमें कोई ख़ास वो लॉजिक वगैरह भी ऐसी कोई ख़ास है नहीं इनका, यानी यूज़ काम भी सिंपल है तो यूज़ भी सिंपल ही है, तो इसमें इतनी कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ें हैं नहीं नॉर्मल डीबीज के अंदर, ठीक है। फिर अगर हम इसी तरह यहाँ पे हमने रिलेशन की बात कर दी, यहाँ पे इसको लाइक रिलेशन कहते क्यों हैं, सही है। फिर एक चीज़ ये थी कि हमारे पास लाइक रिलेशनल डेटाबेस में हमारे जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर होता है कुछ हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सही है, और कुछ उनको चलाने के लिए हमारे पास एडिटर्स या IDEs होती हैं, सही है, लाइक विजुअल स्टूडियो हो गया, वी एस कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, इंटेलिजे, नेटबीन्स, एक्लिप्स वगैरह जो भी, सही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सही है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह हमारे पास डेटाबेस के अंदर भी है, सही है। अच्छा, आमतौर पे जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस हैं वो SQL पे वर्क करती हैं, ठीक है। अच्छा, SQL पे वर्क करती हैं, एक सेकेंड, हाँ सही। तो हमारे पास जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस है ना वो बेसिकली SQL पे वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, मेजॉरिटी। जैसे एक मैंने बताया था पहले कि एक आई थिंक IBM की कोई है, मुझे नाम नहीं याद अभी फ़िलहाल, DB2 करके उसका नाम है शायद, आई थिंक, या पता नहीं क्या, खैर, तो वो शायद SQL नहीं यूज़ करती, वरना मेजॉरिटी रिलेशनल डेटाबेस जितनी भी होंगी वो सारी SQL यूज़ करती हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर है लाइक लॉजिक अगर हम देखें, जैसे अगर किसी ने मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करी हैं, जैसे अगर किसी ने जावा और C# यूज़ करी हुई है तो उनका सिंटेक्स बहुत हद तक सिमिलर है, सही है, लाइक 70-80% आई थिंक सिमिलर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, ठीक है। और इसी तरह लेकिन जैसे पाइथन में आप जाओगे फॉर लूप एक डिफरेंट तरह से इनिशिएट कर रहे हो, सही है, यूज़ कर रहे हो, जावा में आप डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इसी तरह अब हम रिलेशनल डेटाबेस की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें हम जहाँ भी अब डेटाबेस की वजह से बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस ही होगी, सही है। तो डेटाबेसेस के अंदर हम लोग SQL यूज़ करते हैं, सही है। अब जहाँ भी वैसे डेटाबेस की बात होगी SQL रिलेशनल डेटाबेस ही मुराद होगी, और रिलेशनल डेटाबेस में ही SQL वैसे यूज़ होता है, ठीक है। जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, नॉर्मल डेटाबेसेस हैं, उनके अंदर हमें SQL की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे पाइथन की डिक्शनरी, उसमें हम सिर्फ की देते हैं, हमारे हमें डेटा मिल जाता है, वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर SQL की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम SQL ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और SQL की लाइक हमारे पास ना काफ़ी सारी लाइक टाइप्स आ जाती हैं, फिर सही है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास लाइक काफ़ी सारी टाइप्स हैं, सही, उसमें से एक हमारे पास SQL सर्वर है, ठीक है, जो हम वैसे यूज़ कर रहे हैं इस सेमेस्टर में, सही, जिसको लेके सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पोस्टग्रेस SQL है हमारे पास, ठीक है, पोस्टग्रेस SQL या जो भी है, पता नहीं हाँ नाम नहीं ऐसे ऐसे एक देख इसको लें, ठीक है। और फिर हमारे पास MySQL है, ये भी बहुत सुना होगा, और हमारे पास Oracle भी है, ये भी SQL पे ही है, सही है। और फिर हमारे पास SQLite भी है, ये भी हो गया, और एक चीज़ एक सेकेंड नहीं, ठीक है, हाँ सही, ये हमारे पास बेसिकली SQL की कुछ और भी कुछ टाइप्स होंगी, हो सकता है, सही है, ये बेसिकली हमारे पास ना एज अ लैंग्वेज सारी काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे इसी तरह ना हमारे पास फिर डेटाबेसेस के ना DBMS से भी हम जहाँ वैसे बात करेंगे ना वहाँ पे हमारी उससे मुराद रिलेशनल डेटाबेस होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वैसे DBMS और RDBMS की भी बात कर लेते हैं कि DBMS वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा जो नॉर्मल डेटाबेसेस को मैनेज करने में लाइक हेल्पफुल है, ठीक है, और लाइक रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास वो हो जाएगी जो क्या कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस इसको लाइक SQL सर्वर हो गया, पोस्टग्रेस, MySQL, SQLite वगैरह, इनको कन्फिगर करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। लाइक कहने को तो हम बहुत सारी चीज़ें CMD से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, CMD से भी हमारे पास एक तरह से डायरेक्टरी खुली होती है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम लाइक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास एक फ़ाइल एक्सप्लोरर है, सही है, जहाँ से हम लाइक सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है।
कोई भी डायरेक्टरी हम यहाँ पे जाके कोई न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये काम CMD के थ्रू भी हो सकते हैं, सही है। तो वही बात है, तो जो हमारे पास DBMS, क्या कहते हैं, एक सेकंड, हमारे पास जो DBMS होती है वो हमारे बस एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि हम उसको एक एक्सप्लोर कर सकें एक बेहतर वे में, सही है। कोड लिखने को नोटपैड में भी लिख सकते हो आप, सही है, लेकिन वो प्रोडक्टिव वे तो नहीं है ना, एक बच्चों वाली बात है फिर वही, ठीक है। तो इस RDBMS के अंदर हमारे पास जैसे SQL सर्वर की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं इसको, यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल इस पर हटा रहा हूँ गेट करने के चक्कर में, ठीक है। तो SQL सर्वर की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके लिए जो RDBMS आती है वो होती है, एक सेकेंड, हाँ, SSMS है, ठीक है, ठीक है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, ठीक है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे पोस्टग्रेस के लिए हमारे पास एक PG एडमिन होती है, आई थिंक, सही है। MySQL का मुझे नहीं पता और Oracle का भी नहीं पता। SQL लाइट के लिए भी मैंने कोई शायद किया था, DB ब्राउज़र करके यूज़, आई थिंक, कुछ पता नहीं, याद नहीं सही से, ठीक है। अब हर अब हमारे पास लाइक जैसे लैंग्वेजेस बहुत प्रोग्राम लाइक हम इतनी सारी SQL लैंग्वेजेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, हर लैंग्वेज का एक अपना फ़ायदा है, एक अपना गेन है, सही है, और सबके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। SQL लाइट हमारे पास बेसिक हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देती है, हमारे पास ज़्यादा टाइप्स इसके अंदर जैसे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, लाइक एक टेक्स्ट टाइप हो जाती है, स्ट्रिंग वगैरह, वारचार वगैरह, ठीक है, एक हमारे पास इंटीजर है होती है, एक फ्लोट होती है, एक बूलियन होती है, ये चार मेन होती हैं, इसके अलावा शायद एक और होती है, पाँच ब्लॉब वगैरह करके इमेजेस या और दूसरी चीज़ों को, बाइनरी डेटा वगैरह उनको पता नहीं शायद, आई थिंक, स्टोर करने के लिए। तो लाइक लेकिन अगर हम इंडस्ट्री लेवल पर थोड़ा बात करें तो वहाँ पर लाइक सीखने के लिहाज से MySQL वैसे सही रहती है, ठीक है, या SQL सर्वर। Oracle जो है वो एकदम लाइक एकदम फुल बड़े लेवल पे आमतौर पे इस्तेमाल हो रही है। SQL सर्वर सॉफ्टवेयर हाउसेज इस तरह आमतौर पे जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती है, MySQL सिर्फ सीखने के लिए थे, बाकी और भी लाइक ऐसा नहीं कि बाकी पोस्टग्रेस कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें। पोस्टग्रेस जैसे आई थिंक शायद वन ऑफ द फास्टेस्ट SQL है, मेरे ख्याल से, पता नहीं कहीं पढ़ा था शायद, खैर ये सारी चीज़ें हो गई, सबके अपने ट्रेड ऑफ्स वगैरह फ़ायदे वगैरह हैं, सही है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक जैसे और हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है, आई थिंक क्या नाम था, DB वीवर है, ठीक है। जैसे अच्छा जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर होता है ना कि लाइक कोई जैसे विजुअल स्टूडियो आमतौर पर C++ या C# वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। VS Code आमतौर पर JavaScript या HTML CSS या Python के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है, लाइक इस तरह, सही है। यानी कोई हर टेक्स्ट एडिटर या IDE किसी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस या कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ लैंग्वेजेस को आमतौर पर ज़्यादा टारगेट कर रही होती है, ठीक है। जैसे VS Code ऑल इन वन के तौर पर आमतौर पर देखा जा रहा होता है, लेकिन सबके अपने वही हैं ट्रेड ऑफ्स हैं। पाईचार्ट में आपको थोड़ी इन्वायरमेंट्स वगैरह बना सकते हो इंटेलिजेंट, जैसे जावा के लिए है, NetBeans या एक्लिप्स वगैरह जावा के लिए हैं, सही है। जैसे इंटेलिजेंट वैसे जावा के लिए, लेकिन उसमें आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करके पाइथन भी चला सकते हो, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह DBMS के अंदर भी है हमारे पास लाइक SSMS जो है वो सिर्फ SQL सर्वर के लिए है, सही है, और शायद कुछ एक्सटेंशन या प्लगइन्स करके कुछ और भी आप DB एक्सेस कर सकते हो, तो अलग बात है, ठीक है। PG एडमिन जैसे पोस्टग्रेस के लिए है, DB ब्राउज़र आई थिंक या इसी तरह कोई नाम था, SQL लाइट के लिए, ठीक है, और DB वीवर जैसे DB वीवर है, DB वीवर आई थिंक बहुत सारे SQL लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, SQL सर्वर को आई थिंक करता है, पोस्टग्रेस को करता है, SQL लाइट को करता है, MySQL को भी करता होगा मेरे ख्याल से, Oracle इनका इन दोनों का वैसे आइडिया नहीं DB व्यूअर के अंदर, ठीक है। अच्छा सही है, ये चीज़ हो गई। अब वैसे अगर सिर्फ SQL सर्वर पे काम करना है तो SSMS आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका वैसे काम मल्टीपल उन पे होता रहता है तो DB व्यूअर एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है।
ये चीज़ खैर हो गई। आगे तो ये डेफिनेशन वगैरह ना वैसे नेट से उठाई है, देख लेना ठीक है। ये यहाँ पे DBMS के अंदर लिखा हुआ है, वैसे ये SQL की एग्जांपल्स हैं या डेटाबेस लैंग्वेजेस SQL की बेसिकली एग्जांपल्स हैं, ये DBMS की नहीं है ठीक है। RDBMS की भी डेफिनेशन नेट से उठाई थी। यहाँ पे अगर हम इसके डिफरेंसेस की अगर बात कर लें तो जैसे हाँ सही, अब जैसे यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें, जैसे एक हमने बात करी थी कि जैसे हमारे पास एक नॉर्मल DB जो है, इसके अंदर हमारे पास लाइक इतना कोई ख़ास डेटा नहीं है, सिंपल की वैल्यू पेयर है। एक पाइथन में डिक्शनरी को हम यूज़ अगर जिसने करा हुआ है तो ऐसा कोई ख़ास कोई मुश्किल नहीं है ना यूज़ करने को, खास बहुत स्पेसिफिक लॉजिक तो नहीं लिखनी पड़ती, सिर्फ डिक्शनरी का नाम बताना पड़ता है जो भी वेरिएबल में स्टोर है, आगे उसके की देनी पड़ती है, सही वैल्यू वगैरह गेट हो जाती है जो भी इस तरह ठीक है। तो लाइक यानी सॉफ्टवेयर वाइज भी कोडिंग वाइज भी लाइक आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, और हार्डवेयर वाइज भी इसको मैनेज करना ज़्यादा मसला नहीं होगा ठीक है। लाइक सिंपल चीज़ों की तो अगर चीज़ ऑलरेडी सिंपल है तो उसको उस पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो भी यानी सिंपल यूज़ हो जाएगा वो वाली बात ठीक है। RDBMS के अंदर हमें क्या कहते हैं, हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जैसे सॉफ्टवेयर की तो एग्जांपल सिंपल सी है कि रिलेशनल डेटाबेस में हमें एक SQL पूरी एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए ठीक है। SQL की वैसे क्या फुल फॉर्म क्या होती है यार, आई थिंक SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ठीक है। SQL को भी अगर हम वैसे देखा जाए, यहाँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, सही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बेसिकली ये है ही एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे मेरे पास है नहीं फिलहाल, अभी बाद में दिखा दूँगा ठीक है। लाइक जैसे आमतौर पे SQL की लाइक जो मेन सबने सेलेक्ट का जो इसका बेसिकली कीवर्ड है सबने सुना है, वही ये यूज़ भी करा हुआ होगा। तो लाइक सेलेक्ट जो है SQL के अंदर वो एज अ प्रिंट के तौर पे काम करता है, पाइथन के अंदर जैसे प्रिंट काम करता है SQL के अंदर सेलेक्ट काम करता है ठीक है। वो चीज़ हो गई और उस पर भी खैर बाद में आएंगे ठीक है। अभी बाकी डिफरेंसेस लाइक देख लेते हैं। लाइक नंबर ऑफ अलाउड यूज़र्स सही है। अच्छा एक DBMS के हमने एक्सेप्ट ठीक है। अब क्योंकि अगर हम DBMS की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टेबल है सही है, तो बेसिकली एक यूज़र्स को एक वक्त में गेट कर रहा होगा ठीक है, एक यूज़र के पास बेसिकली एक्सेस होगा आमतौर पर ठीक है। जबकि RDBMS के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता, वो अलग बात है, हम इसको डुप्लीकेट्स बना लें, एक सबको एक कॉपी दे दें, वो सारी एक चीज़ें अलग हैं ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, आप DB की कॉपी वैसे किसी को दोगे नहीं पूरी की पूरी, सही है टेम्पोरेरी तौर पर भी ठीक है। और अमाउंट ऑफ सही, अब RDBMS क्योंकि अब मिसाल के तौर पे अगर आप जैसे वही बात होगी कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे अगर मिसाल मैं सामने मिसाल दे रहा था, अगर नेम का कीवर्ड है मिसाल के तौर पे, मुझे इन द एंड लाइक पासवर्ड चाहिए बंदे का ठीक है, तो मिसाल के तौर पे नेम के अंदर आ जाएगा उसामा ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा उसामा को, अगर हम यहाँ पे सामने के उसमें आ जाएगा लाइक उसकी ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे मैं पूरी ईमेल नहीं लिख रहा वैसे ठीक है। यहाँ पे फिर ईमेल के उसमें आ जाएगा क्या कहते हैं PW1 था ना पासवर्ड आई थिंक, हाँ सही है ठीक है। ईमेल भी कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, सॉरी ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई, लाइक यहाँ पे ना हमारी एक बल्क डेटा को अभी तक मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड करा था, उसके लिए मेरे पास इतना डेटा आ गया ठीक है। 10 रिकॉर्ड होंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये 5 भी शायद हैंडल कर पाएगा नहीं ठीक है। यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड एक तमीज़ से रखा हुआ है सही, इसको मैनेज करना आसान है, ये वाली चीज़ है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी भले से देख रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक्सेल का सॉफ्टवेयर मान लेते हैं ठीक है, कि जो हमें एक एक DBMS का मिसाल के तौर पे इसको हमने एक सॉफ्टवेयर सपोज कर लिया, यहाँ पे इस डेटा को व्यू करना कंपैरेटिवली आसान है इसके ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं तमीज़ से, 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं तमीज़ से ठीक है, हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 रिकॉर्ड होंगे, आप उसको एक अच्छे उसमें मैनेज नहीं कर सकते ठीक है। तो
तो स्केलेबिलिटी ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेटा, यानी वही बात आ गई, अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा हैंडल करना मसला हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आ गई, डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटास्केप, सही है। ये तो सिंपल है, लाइक डेटाबेस एक हायरार्किकल फॉर्म में होता है, ठीक है। लाइक की वैल्यू पेयर्स हैं, अगर हम कहीं रिलेशन इन केस बनाना भी चाहें तो वो एक इस तरह से बनेंगे, हायरार्किकल फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। बाकी ये एसिड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डीबीएमएस अराउंड यूजर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी मॉडल वर्सेस ऑन द अदर हैंड आरडीबीएमएस द बेस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा ऑन द एसिड मॉडल इंश्योर करना, क्या क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी एसिड मॉडल। नहीं, जैसे एसिड इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास आई थिंक चार रूल हैं, मुझे सही से भी याद नहीं है। एक कंसिस्टेंसी है, एक एटॉमिसिटी आ गई, एक आइसोलेशन आ गई, एक ड्यूरेबिलिटी है, सही है। एटॉमिसिटी तो शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं, एक सेकेंड, एटॉमिसिटी जैसे ये होगी, लाइक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये नेम टू था, इसको हम नेम टू कर देते हैं, ठीक है, इसको हम नेम वन कर देते हैं, इसको, सही है। एटॉमिसिटी में अब यहाँ पे क्या आ गया, लाइक हमारे पास डेटा डुप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। नेम वन में भी उसामा है, नेम टू में भी उसामा है, हमारे पास यहाँ पे डेटा डुप्लीकेशन और एटॉमिसिटी, यहाँ पे आई थिंक शायद ब्रेक होगी, ये इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। लाइक आप, आपके पास, आपने जब डेटाबेस, एक सिंपल डेटाबेस जब बना रहे हो, डिक्शनरी बेस्ड की वैल्यू पेयर डेटाबेस बना रहे हो, आप वहाँ पे एक सिंपल सी एक चीज़ ला रहे हो कि आप वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स आप नहीं रख रहे कोई ख़ास, सही है। बस एक की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई सेट ऑफ रूल्स कोई ख़ास ऐसे डिफाइन है नहीं, सही है। तो जब सेट ऑफ रूल्स होंगे नहीं, तो आप मज़ीद वहाँ पे और दूसरी, यानी आप उस डेटा को मैनेज नहीं कर सकते हो, लाइक एक स्कैटर्ड डेटा होगा कह लो, सही है। सही है ये चीज़। एसिड इम्प्लीमेंटेशन वैसे देख लेना, आई थिंक इतना कोई ख़ास होगा नहीं, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज़ की, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, सही है। लाइक एक बस आपका डेटा बिखरा पड़ा हुआ है, सही है। आपके लाइक फ़ोन में आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइक आपका फ़ोन में ज़रूरी नहीं है आपका सारा डेटा यूज़फुल हो, बहुत सारा डेटा आपका जंक भी होता है, जो आप, अगर आपको पता, अगर आपकी नज़र से गुजरता है, आप उसको डिलीट भी कर देते हो, ठीक है। लेकिन अलग से खोल खोल कर डेटा क्लीन अप कोई नहीं कर रहा था आमतौर पर, इस तरह, सही है। वो वाली चीज़, तो एक स्कैटर्ड फॉर्म में आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि अगर नॉर्मल डीबीस के या नोएसक्यूएल डेटाबेस अगर हैं तो क्यों हैं, लाइक उनके एडवांटेजेस क्या है। लाइक अगर हमें सिर्फ कहीं पे डिक्शनरी चाहिए, हमें जैसे पाइथन में हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे उस डिक्शनरी को सिंपली लाइक, यानी पाइथन की डिक्शनरी तो तब तक एग्जिस्ट कर रही है जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है। अगर प्रोग्राम जब स्टॉप हो गया, क्रैश कर गया, डिक्शनरी तो गई ना, तो अगर हमें उसको लिटरली सेव करना है, तो हमें एक नॉर्मल नो एसक्यूएल डीबी यूज़ कर लेंगे, और अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, ये मुझे या वाले नाम, ये मुझे भी सही से याद नहीं, डेटा, एक सेकेंड, ठीक है। ये आई थिंक शायद लाइक बहुत सारे सर्वर रिलेटेड कोई चीज़ है, आई थिंक, मुझे याद नहीं भी सही से। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स मैनेज्ड बाय लिनक्स, सही है। बेसिकली वही चीज़ आ गई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीबीएमएस क्या करेगी, सिर्फ डेटा मेंटेन करने में आपका काम देगी, लाइक बस आपको एक डेटा स्टोरेज एक तरह से प्रोवाइड कर रही है, सही, डेटा स्टोरिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है और कुछ खास नहीं। जबकि एक आरडीबीएमएस डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी के साथ आपको उसको आपस में रिलेशनशिप उसके बीच में बनाना, सही है, वो सारी चीज़ें वो भी आपको प्रोवाइड करी, डिफरेंट टेबल्स के बीच के रिलेशन, वो सारी चीज़ें, सही है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है, तो नॉर्मलाइजेशन आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी भी है, आई थिंक क्लास में,
मेनली समझ आई ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन एक बेसिक आइडिया ये है कि नॉर्मलाइजेशन आमतौर पे टेबल्स के बीच की एक चीज़ होती है, रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना, लाइक डिफरेंट चीज़ें। तो अगर लाइक सिंपली ये बात है कि रिलेशंस अगर है ही नहीं तो आप उसको नॉर्मलाइज कैसे करोगे, ये सिंपली ये समझ लो, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस में कोई ख़ास चीज़ है नहीं, हमारे कोर्स में भी है नहीं वैसे ज़रूरी। सही है। अच्छा, हमारे कार्डिनेलिटीज़ और रिलेशनशिप्स, एक सेकेंड, मैंने कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आई थिंक, यार यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। खैर, कार्डिनेलिटीज़ और रिलेशनशिप्स ना एक ही चीज़ होती है आमतौर पे वैसे, ठीक है। हमारे पास रिलेशनशिप्स तीन ही टाइप के हैं, वन टू वन है, वन टू मैनी है, ठीक है, और मैनी टू मैनी है, ठीक है। अब वन टू मैनी को उल्टा करके पढ़ लो, मैनी टू वन, या वो आप बंदे के ऊपर है, ठीक है। सही है, ये चीज़ हो गई, और इन पे भी अभी आते हैं, ठीक है। अच्छा, टर्मिनोलॉजी कुछ बंदा ये देख ले पहले, ठीक है। एंटिटीज से मुराद ना आमतौर पे डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नॉर्मली टॉकिंग जब हम कर रहे होते हैं, एंटिटीज से मुराद हमारा एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है, उसामा से पासवर्ड वन तक। सही है। एंटिटीज से मुराद हमारा टेबल भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो एंटिटी का है वो टेबल का नाम होता है। सही है। टेबल टेबल इज इक्वल्स टू एंटिटी। सही है। द क्लास और ऑब्जेक्ट विच हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ और डेटा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास कॉलम्स हैं, कहाँ गए, ये रहे, जो हमारे पास कॉलम्स हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाली चीज़, एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, द डेटा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ टेबल, बेसिकली द कॉलम्स ऑफ द टेबल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फील्ड। सही। फील्ड्स फील्ड्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए, कॉलम्स हो गए, एट्रीब्यूट हो गए। सही है। ये तीन नाम है, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट, ठीक है। इन तीन नाम को हम कॉलम्स की जगह यूज़ कर रहे होते हैं आमतौर पर। टपल से मुराद हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसामा वाला ये एक पूरा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। सिर्फ यानी रिकॉर्ड से हमारा सिर्फ उसामा नहीं लगे, पूरी पूरी रॉ है, ठीक है। इसी तरह एक रिकॉर्ड हमारा ये हो गया, एक टपल ये हो गया हमारा, ठीक है। तो टपल हमारा क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल का डेटा विच हैज़ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, बेसिकली द रॉज ऑफ द टेबल। सही है। कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। स्कीमा ये एक सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सही है, कि हम अपनी डेटाबेस को, हम एक जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारी जो डेटाबेस होगी, डेटाबेस के अंदर एक टेबल नहीं होगा, मल्टीपल टेबल्स होंगे, हम उन टेबल्स को आपस में लिंक किस तरह करेंगे, वो सारी चीज़ें उसकी एक थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है। स्कीमा इससे ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं। कीज हमारी होगी, यूनिक आईडीज होती हैं रिकॉर्ड्स के लिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लाइक अगर मुझे कोई मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोजेक्ट है, मुझे उसके लिए एक डेटाबेस चाहिए। अब उस डेटा मुझे मेरे पास लाइक 20 एंटिटीज़ हैं, सही है, यानी 20 टेबल्स होंगे मेरे पास उस डेटाबेस के अंदर। तो मैं लाइक सिंपली ऐसा तो नहीं कि ना जाके डेटाबेस के अंदर लाइक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कोड के थ्रू लाइक बस डेटाबेस बनाने लग जाऊँ एक एक करके। सही है। पहले हम उनको लाइक एक पेपर पे, या जो आमतौर पे क्लास डायग्राम्स होती हैं उनका काम ही आमतौर पे यहाँ पे आता है। ERD क्लास डायग्राम्स आमतौर पे एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो उनका असल में आमतौर पे काम आता है स्कीमा में, और ये चीज़ आमतौर पे प्रोजेक्ट के इनिशियली, एकदम इनिशियली फेज़ में आमतौर पे कर रहे होते हैं हम आमतौर पे, ठीक है। लाइक बाकी वक्तन फवक्तन अपडेट होती रहती है, वो एक अलग चीज़ है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन जो 70-80-60-90% जो है, ये 70-80% इनिशियली आप पहले इसको बनाते हो, उसके बाद ही आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। डेटा इंटेग्रिटी भी आगे की है, नॉमली नॉर्मलाइजेशन फॉरेन की, ठीक है। हम सही, ERD तो हमने पढ़ा है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERB होगा कुछ, इन फुल फॉर्म्स हैं बेसिकली यहाँ पे, शायद इसलिए मैंने लिखा हुआ है आई थिंक। लाइक कोई ख़ास वैसे इनमें फ़र्क है नहीं। सही है। देख लेना, होगा वैसे थोड़ा बहुत फ़र्क, लेकिन बेसिकली हम सिर्फ ERD पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ है, बाकी फुल फॉर्म में आई थिंक काम आ सकती है यहाँ पे पेपर में। बाकी एक सेकंड में टॉपिक्स खोल लूँ। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमने बात कर ली है, सही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर ली है, सही है।
सिर्फ अगर DBMS की हम वैसे बात करें तो वो उसके अंदर रिलेशनल डेटाबेसेस भी आ जाएंगे या फिर और नॉर्मल जो NoSQL डेटाबेस होंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। या अगर हम स्पेसिफिक NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम उनको ही लेंगे, लेकिन आमतौर पर DBMS का लफ्ज़ हम इस कोर्स में रिलेशनल डेटाबेस के लिए इन जनरल वैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या DB का लफ्ज़ भी। बाकी ये हो गई कार्डिनेलिटीज़ की, हमने सिर्फ सिंपल ऊपर ऊपर से बात करी कि लाइक है क्या चीज़, रिलेशनशिप्स ही हैं, ठीक है, 1-to-1 और कहाँ गया, 1-to-1, 1-to-many और many-to-many, ठीक है, वो वाले। बाकी इसको कर दूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे हम असल लाइक ये चीज़ रहती है, एनोमलीज बाद की चीज़ है, इंडेक्सेस पे भी बाद में आएंगे, एग्रीगेट जॉइंस, और इनमें क्या है, 3 लेवल डेटा इंडिपेंडेंसी, ये मुझे याद नहीं। DB लैंग्वेज टाइप्स हमने पढ़ ली हैं, SQL ही होती है आमतौर पे, NoSQL एक शायद MongoDB है, और आई थिंक IBM की जो है शायद DB2 नाम है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या। डेटा मॉडल्स इन DBMS ये मुझे याद नहीं, फंक्शंस कंपोनेंट्स टर्मिनोलॉजीज ये हो गई, डिग्री और डोमेन हमने वैसे नहीं करा है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस टेबल्स कीज हो गई, यहाँ पे भी हम आते हैं, ठीक है। बाकी अब हम एक काम करते हैं, अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशंस के अंदर हमारे पास एक सेकेंड, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको भी अगर यार ये यहाँ पे, सही, हमारा टेबल 1 हो गया, ये काम कर, इसको यहाँ पे ये कर दो, सही, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ कर दो, ठीक है, ये हमारा टेबल 1 हो गया, इसको कर दो, ठीक है। इसी तरह हमने एक लाइक टेबल 2 बना लेते हैं, उसके अंदर हम करेंगे कि मैं इस तरफ एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुको, इस तरफ मैं बनाना नहीं चाह रहा। अच्छा, ईमेल ना मैं अभी यहाँ पे वैसे एडिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ईमेल 1 कर दे रहा हूँ ताकि ये लंबी होती रहेगी, वरना ठीक है, यही चीज़ हो गई, सेलेक्ट और कर लो, ठीक है, ये चीज़ आ गई है हमारे पास, और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा कर लो उसका यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाओ, टेबल टेबल भी हमारे पास हो जाएगा, टेबल 2, और ये हो गया। फिर हम एक काम करते हैं, मिसाल के तौर पे इसको यूज़र्स का टेबल, इसको यूज़र्स का नाम दे देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं, इसको किसका नाम दें, इसको फोन का नाम दे देते हैं, फोन फोन का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इसकी अपनी ID रख देते हैं, ठीक है, और एक इसकी क्या कहते हैं, एक फ़ोन नंबर कर दो, ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया दूसरा हमारे पास, और एक सेकेंड User ID आ जाएगी, और एक हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको ये करा, इसको ये करा, ठीक है, ये चीज़ हो गई, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा कैप हो गया, सही, ठीक है। मिसाल के तौर पे यूज़र्स के टेबल के अंदर हमारे पास लाइक 2 रिकॉर्ड्स हैं, सही है, एक उसामा के अहमद का, ठीक है। अब हमने क्या करा कि, अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने एक नंबर कर दिया, 1-2-3 कर दो, 1-3-2-1 कर दो, ठीक है, एक इसकी अपनी ID, एक इसकी अपनी ID 2 हो गई, ठीक है।
ये चीज़ हो गई आई थिंक, एक सेकेंड, ठीक है एक सेकेंड। और एक चीज़ और क्या बतानी थी। और हाँ सही, मिसाल सही है। अब मिसाल के तौर पे हमने दो फ़ोन के रिकॉर्ड्स बनाए, सही है। एक जिसमें फ़ोन नंबर है 1 2 3, लाइक हम सिंपली यहाँ पे ये कर रहे हैं, एक 1 to many का रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। सही है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक चीज़ ये कर ले रहे हैं।